हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार सर। अरे नमस्ते नमस्ते। अरे बाप रे, अरे सर कैसे हैं आप? अरे बाप रे, दिल खुश हो गया देख के यार। शर्मा जी क्या करते हो यार, इतने अच्छे अच्छे मेहमान घर पे बुलाते हो देख के मजा आ गया। वही हम सोच रहे हैं कि बाहर आज इतना चहर पहर क्यों है। आज देखे मजे का बात, देखिए सब कपल 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 शर्मा ऐसा सब जोड़ियां देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। शर्मा जी आपने कभी देखा है क्या ये लोग जब कभी हेलमेट पैड्स ग्लव्स पहन के मैदान में निकलते हैं, माँ कसम एकदम क्रिकेटर लगते हैं। अरे लगते क्या, तो हैं तो तभी तो लगते हैं यार। पहन के तो हम भी निकलते हैं, आप नहीं लगते हैं। जया जी बहुत खूबसूरत हैं आप। धन्यवाद। जॉर्जियस लग रही हैं। जॉर्जियस बस इसी तरह हमारी आंखों में आंखें डाल। ओए बच्चा क्या बकवास कर रहा है, हम दीपक जला के शो का शुभारंभ कर रहे हैं। दीपक जला के। अरे बाप रे। लेकिन आकाश जी प्लेजर मीटिंग यू। ओके You're a nice man. Thank you. आप जो करते हैं देख के भी बड़ा अच्छा। नहीं मतलब देख के पता चलता है कि आदमी बहुत ही हम्बल है। कैसे? नहीं नाम आकाश है लेकिन देखो पैर जमीन से जुड़ा हुआ। लेकिन आप जो कमेंट्री, ए भाभी जी कमेंट्री आपका कैसा चल रहा है? ये कमेंट्री तो ये करते ना? नहीं नहीं ये तो मैच में करते है ना, घर में तो इनका ही चलता होगा। कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए आकाश चोपड़ा हमारे पति जा रहे हैं किचन में और इन्होंने स्पॉन्ज उठाया और कढ़ाई में डाला है और कढ़ाई को घुमा घुमा के और ये बेहतरीन तरीके से कढ़ाई एकदम साफ। ऐसा करती हैं आप, चलता होगा घर में ऐसा। वैसे आप दोनों से एक और बात पूछना था, आप लोग का जब शादी हुआ जी तो आपने अग्नि को साक्षी माना क्या? आपने अग्नि को आक्षी मान के? वैसे आपको हम सब कुछ दिखाना चाहते हैं। ये कपिल शर्मा जी हैं, ये जो है ये अर्चना पूरन सिंह जी हैं, ये जो है ये ऑडियंस है। उनको दिख रहा है, क्यों बता रहे हो? तो हमें भी दिख रहा होता है कि बॉल सिक्स के लिए जा रहा है, इतना कूद कूद के क्यों बताते हैं? और ये गया बॉल बाउंड्री के बाहर, छक्का। अरे सर आप नहीं बताएंगे तो वो चौका नहीं हो जाएगा। लेकिन आपके कॉमेंट्री के हम फैन हैं जी। हमारे चाचा जी हैं, वो भी आपकी कमेंट्री के बहुत बड़े फैन। ओके। अभी उनका बच्चा हुआ है तो उनका मुंडन हुआ और वो अपना नामकरण कर रहे हैं, तो वो कह रहे थे कि आप बच्चे का नाम रखेंगे। ये क्यों रखेंगे? अरे ये रखेंगे यार, ये सभी का नाम रखते हैं, आपको पता नहीं? अर्चना जी चतुर चालाक चहल इन्होंने रखा है, रसल द मसल इन्होंने रखा है, हार्दिक हिटिंग पांड्या इन्होंने रखा है, सभी के नाम रखते हैं यार, है कि नहीं? बात तो सही है। रख दीजिए नाम उस बच्चे का भी। और अगर बच्चे का नहीं रखना है तो हमारी ये भैंसिया है यहाँ पे। एक्चुअली इसका नाम फुलझड़िया है। अच्छा, फुलझड़िया। फिर कोई अट्रैक्टिव सा नाम अगर आपके दिमाग में आए, और ऐसी वैसी भैंसिया नहीं है, शी इज अ इमर्जिंग T20 प्लेयर। इसके एक लीटर दूध में आप 20 टी बना सकते हैं। T20। अरे ये हमारी भैंसिया मजाक नहीं कर रहे हैं, हमको भी क्रिकेट खिलवाती है, अपना क्या कभी भी दूध दे देती है, हमें बाल्टी लेके दौड़ के जाके जंप करके ऐसा दूध कैच करना पड़ता है। और ये फुर्तीला बड़ा है, जैसे गोबर करती है ना, डाइव मार के कैच करता है। ये कब फालतू बातें कर रहा है यहाँ पे मेहमानों के सामने? शर्मा जी आउट का इशारा कैसे करते हैं? ऐसे। इसको थोड़ा सा इन लेकर आइए ऐसे। लवली मेहमानों थोड़ा बातचीत करने दीजिए। तो हम बता रहे थे कि आप कभी ना हमारी भैंसिया को क्रिकेट खेलते हुए देखिए, आपको महेंद्र सिंह धोनी याद आ जाएंगे। महेंद्र सिंह धोनी कैसे याद? अरे अपनी पूंछ से हेलीकॉप्टर शॉट मारती है ये। ओ बच्चा अपनी लकड़ी की भैंस ले और यहीं से निकल जा। सर वो लकड़ी की नहीं है, वो तो क्या है कि इसका एक बॉयफ्रेंड है सांड कुमार। उसके साथ इसका ब्रेकअप हो गया है, थोड़ी उदास है, इसके लिए सूख के लकड़ी हो गई। क्यों हुआ ब्रेकअप? अरे ब्रेकअप इसलिए हुआ क्योंकि वो धोखेबाज निकला सांड कुमार, किसी दूसरी भैंसिया के साथ कैंडल लाइट डिनर कर रहा था। इसने देख लिया और तुरंत कहा कि अब
यार वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं जब रिलेशनशिप खत्म करते हैं? इट्स ओवर। हाँ, इट्स गोबर। सांड कुमार भी ढीठ है, आए दिन इसे पटाने मनाने के लिए आ जाता है, लेकिन ये साफ मना कर देती है, कहती है ना। बच्चा तू ये भैंसिया को लेके इतना इमोशनल क्यों हो रहा है? अब भैंसिया का नहीं है दोस्त, जानवर है। और हमें लगता है कि हर जानवर के अंदर ना एक इंसान छिपा होता है। आए हाय, वो तो हमें दिख रहा है। शर्मा जी, आप एक काम कीजिए। क्या? कोई भी काम पकड़िए और कीजिए, बिजी रहिए बस। सर, आप लोग क्रिकेट खेलते हैं ना, किसी को बताइएगा ना एक कमाल का ट्रिक बताते हैं आपको, जिससे आपके सामने वाला टीम कभी 100 रन के ऊपर बना ही नहीं पाएगा। आप लोग ना मान लीजिए आपको पहले बैटिंग मिला है, अपना पूरा टीम से बात कीजिए और 90 पे ऑल आउट हो जाइए, मजाल है, सामने वाला टीम 100 बनाएगा फिर। हमारे पास जोक्स का एक पिटारा रहता है, जोक पेश कर देते हैं। हा? एक बार क्या होता है कि अपना विराट कोहली है, रोहित शर्मा है और साथ में बुमराह है, तीनों मिलके ना एम्पायर को एक कुछ बात बताते हैं। एम्पायर जो है दो की बात पे यकीन करता है, लेकिन बुमराह की बात पे बिल्कुल यकीन नहीं करता। बताइए क्यों? क्यों? क्योंकि बुमराह फेंकते हैं। अच्छा ये बात बताइए, ऐसा कौन है जो कितनी भी पढ़ाई कर ले, बहुत ज्यादा कितनी भी पढ़ाई कर ले, लेकिन कभी फर्स्ट नहीं आ सकता? कौन? थर्ड एम्पायर। थर्ड ही आएगा, फर्स्ट कैसे आ सकता? अच्छा हमको ये बताइए कि माँ में और बीवी में क्या अंतर है? क्या अंतर है? एक बोलना सिखाती है, दूसरी चुप रहना। और ये वाला बताइए, बड़े भाई और छोटे भाई में क्या अंतर है? क्या अंतर है? उम्र का अंतर है। हर बात में जोक नहीं होता यार। क्या जोक ढूंढे जा रहा है? चलिए हमारे जाने का वक्त हो गया, हम चलते हैं, लेकिन आप यहीं पे रहना, रहना यहीं पर रहना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, मजा आया, मिलते हैं सर। अच्छा आकाश पाजी की कमेंट्री जो होती है ना दूसरे कमेंटेटर से थोड़ी अलग होती है, ये खिलाड़ियों की तारीफ में जो फ्रेसिस बोलते हैं कि चतुर चलाक, चहल ने किया चंचल, मैक्सवेल को चलता, एंड्रे अंदर गेंद बाहर, देवदत्त पटिकल, क्रिकेट का सुनहरा कल, वहां तो बड़ा खूबसूरत बना के आप बोलते हैं। आज आकाशी आपके सामने बैठी है, 30 सेकंड के लिए आपको उनके लिए कुछ बोलना है तो क्या बोलेंगे? 13 साल तक नहीं बोला जो आज आपने उनको कहने के लिए कह दिया, थैंक यू। मिसेस चोपड़ा, आपकी चमक अलग है, दमक अलग है, और जो आपके हाथ से वो बेलन छूटता है उसकी कान पे लगने की खनक अलग है। ये आपने तारीफ करी है या धोखे मारा है? अब घर जाना, खाने में नमक भी अलग होगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। आप कितनी देर तक इसको, या तो लंबा कर लो, बाद में बोलोगे सॉरी, एक घंटे बाद बोलोगे, अभी बोल दो। आई मीन 5 दिन भी चल सकती है लड़ाई, अभी बोल दो। वैसे रायना की हो सकता है कुछ दूसरी ओपिनियन हो, क्योंकि वो आजकल तो प्रभु प्रभु रायना जी कुछ ऐसा कि भाभी अपनी बंदूक हमारे कंधे से चला रहे हैं। जब शादी नई नई होती है तो दो दो तीन तीन दिन तक झगड़ा होता है, नहीं मुझे भी नहीं बात करनी, मुझे भी नहीं बात करनी। अच्छा? है अब तो इतना टाइम हो गया, लगता है यार खत्म करो 5 मिनट में, कांट डील विद इट एनीमोर। पर हमने देखा हमारा हिंदुस्तान का कल्चर इतना ब्यूटीफुल है ना कि कितनी भी लड़ाई हो जाए सोने से पहले पति माफी मांग लेते हैं। मुझे तो नहीं लगता, आई मीन ताकि सुबह उठे मुस्कुराते हुए मिले। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, परमीत सर जब आप सॉरी बोल देते हैं आपको, उसके बाद भी मुक्का मारते हैं आप उनको? I wish, पता है ना वो 6 फुट 2 इंच का है वो, मैं उसको मुझे पता, आपने स्टूल भी बनवाया हुआ है, स्टूल भी उन्हीं से मंगवाती, स्टूल लेके आओ, कंधे पे मीटना। आप दोनों की तो अभी भी शादी हुई, मतलब हाल ही में? मैं तो अभी माइंड गेम खेल गया था इसके साथ। हाँ? हाँ, मैंने बुलवाया सॉरी से, पहले मैं ही बोलता था। हाँ। तो एक दिन अभी घर पे कुछ बात हो गई, पापा ही थे घर पे, तो बॉस है जिनके सामने सबको ऐसा रहता है कि हाँ यहाँ से ही बिहेव करना, नहीं तो बहुत लंबी डांट पड़ सकती है, वो देते भी 1-1 घंटे के लेक्चर है बिठा के। हाँ
मैं तो बचपन से सुनता हुआ रहा हूँ तो ये अभी भी आई है तो ये डरती है उनके लेक्चर से तो मैंने कहा पापा घर पे हैं अभी मौका है कि इससे बुलवा लेते हैं तो कुछ बात होगी मैंने कहा मैं बात नहीं कर रहा मेरे से बात मत कर तो पापा को पता लग गया खैर मैं इधर बैठा हूँ क्या हो गया भाई मैंने कुछ नहीं कि तुम ये लग इतने दूर बैठी है तुमने उसमें देख रहा है कुछ तो बात हुई बताओ मैंने कहा देखो कोई भी लड़ाई हो मैं ही सॉरी बोलूँ ये क्या बात है गलती किसी की वो मेरे को बोलना पड़ता है तो पापा ने समझाया इसको फिर थोड़ी देर ये भी अड़ी वही पापा के सामने बोल दिया चलो कोई बात नहीं सॉरी यार ताकि अपनी अपनी इमेज खराब नहीं हो पापा भी बोल रहे सॉरी बोल दिया आप क्यों नहीं बात कर रहा तू तो फंस गया तो माइंड की गिल गई उधर चलो एक साल है अभी ठीक है जैसे जैसे साल बढ़ते रहेंगे ना पिछली बार आया था तो अलग सवाल थे भाई मैंने वहाँ सिंगल था तब यहाँ पूछा आया हूँ दूसरे सवाल हो रहे हैं अब क्या पता अगली बार दूसरे सवाल हो जैसे मैं कभी बाहर शोज के लिए जाता हूँ ना तो ट्रेवल एजेंट पासपोर्ट मंगाता है तो मेरी बीवी मेरा पासपोर्ट देती है बीच में अपना साथ में बच्चों का और नीचे ना सबके दे देती है आप कभी धर्म संकट में फंसते हो आप ऐसे बिल्कुल जब खेलने जाते थे पहले आईपीएल टीम तो हमेशा लुक आफ्टर करते हैं वाइफ हो बच्चे हो मैनेजर भी हो लेकिन जब इंडियन टीम में जाते उस टाइम पे पहले वाइफ अलाउड नहीं थी फिर धीरे धीरे उन्होंने अलाउड करना बोला उसके बाद फिर अभी तो आप वाइफ बच्चे फिर नीचे दो नैनी भी जाती हैं पाजी जैसे हमारे कहीं बाहर शोज होते हैं जब कैनेडा अमेरिका गए तो बड़े रिश्तेदारों का भी मैसेज आते हैं ना पास के लिए आपके आईपीएल जब होते हैं मुझे याद है भज्जू पाको मैंने एक बार मैसेज किया मैंने तो वैसे ही करना था उनका फोन बंद दो दिन तीसरे दिन आया और पाजी मैं कहा पाजी मेरा काम था कुछ कहते नहीं नहीं मैं ना मैच से पहले बंद कर लेता हूँ यार पास के लिए फोन बड़े आते आपके साथ होता है ऐसे नहीं बहुत होता है पाजी अभी स्पेशली मैं दीपक चेन्नई के लिए खेले जब भी मुंबई वर्सेस सीएसके का मैच होता था तो मतलब पास वो बल्क में मांगते हैं हमें मिलते हैं चार पासेस अच्छा जी जिसमें से फैमिली क्लियर कर दो आज टीवी पे हमको चार ही पास मिलते हैं चार ही पास मिलते हैं तो हम दो हमारे दो एक बीवी का पास और दो बीवी के भाइयों के फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़